हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बस दुखांतिका, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिले कैलाश चौधरी, मृतकों के घर जाकर परिजनों को दी सांत्वना। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भांडियावास गांव में कल हुए दर्दनाक हादसे के जोधपुर एवं बालोतरा के अस्पतालों में भर्ती घायलों से पूछी कुशल क्षेम, मृतकों के घर जाकर परिजनों से जताई संवेदना। बाड़मेर जोधपुर, बुधवार को भांडियावास गांव के पास हुई दुर्घटना में एक दर्जन लोग आग में जिंदा जल गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक दिन पहले ही बाड़मेर और जोधपुर से दिल्ली पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी गुरुवार को घायलों की कुशल क्षेम जानने के लिए वापस जोधपुर एवं बालोतरा पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के साथ जोधपुर के विभिन्न अस्पतालों एवं एम्स पहुंचकर घायलों से मुलाकात की एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैलाश चौधरी ने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल, गोयल अस्पताल, श्रीराम अस्पताल एवं एम्स पहुंचकर भांडियावास में हुई बस दुखांतिका के घायलों से मुलाकात की। कैलाश चौधरी ने यहां अस्पतालों में जाकर घायलों की स्थिति देखी, साथ ही अस्पतालों के विभिन्न वार्डों में भर्ती घायलों से भी मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। कैलाश चौधरी ने डॉक्टरों को उपचार को लेकर गंभीरता रखने की बात कही। घटना स्थल जाकर देखा रूह कंपा देने वाला दर्दनाक मंजर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसके बाद बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर भांडियावास गांव के पास हुए दुर्भाग्यपूर्ण एवं दर्दनाक हादसे की घटनास्थल का मौका मुआयना किया। घटनास्थल पर कैलाश चौधरी ने कहा कि घटना की भयावहता और दर्दनाक मंजर देखकर रूह कांप गई। इस घटना ने सभी क्षेत्रवासियों को झकझोर कर रख दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को जल्द स्वास्थ्य प्रदान करे। ऐसे दुखद हादसे को देखकर एक बार की धैर्य जवाब दे देता है, लेकिन अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। ईश्वर सभी पीड़ित एवं प्रभावित परिवारजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति दे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि यह बहुत बड़ी दुखांतिका थी जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग काल कवलित हो गए। अगर आसपास के खेतों के किसान और यहाँ के लोग मौके पर पहुंचकर साहस नहीं दिखा पाते तो शायद मृतकों का आंकड़ा और ज्यादा हो जाता। कैलाश चौधरी ने मदद करने वाले सभी किसानों एवं मददगारों के साहस की प्रशंसा की, मृतकों के घर जाकर परिजनों से मिले और जताई संवेदना। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बस हादसे में दिवंगत हुई कुड़ी गाँव की निवासी गीता पुत्री कालूराम पालीवाल तथा दूसरी मृतक पंचपदरा निवासी श्रीमती कमला पत्नी लखाराम गवारिया के निवास पर शोक सभा में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारजनों को सांत्वना दी। इसके बाद कैलाश चौधरी बालोतरा की सिटी लाइट अस्पताल, विश्रोही अस्पताल, हितकारी अस्पताल व संत हरिदास आई अस्पताल पहुंचकर कल भांडियावास में हुई बस दुखांतिका के घायलों से मुलाकात की। कैलाश चौधरी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों और घायलों के साथ खड़े होकर उनकी हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मृतकों के परिवारजनों एवं घायलों को आपदा राहत कल्याण कोष के माध्यम से हर संभव मदद एवं सहयोग प्रदान कर रही है। आगे भी हम पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ितों एवं प्रभावितों के साथ खड़े रहेंगे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।